ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने के 30 मामले सामने आए हैं। इनमें से 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इसका एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कोई संबंध है। ये मामले ऐसे समय में सामने आए हैं जब यूरोपीय देशों ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा, 24 मार्च तक सामने आए 30 मामलों में दुर्भाग्य से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद नीदरलैंड्स ने एस्ट्राजेनेका का वैक्सीनेशन रोक दिया है। यहां महिलाओं समेत 5 खून का थक्का जमने के मामले सामने आए हैं। जर्मनी ने भी इसी हफ्ते वैक्सीनेशन रोकने का फैसला लिया है। WHO की तरह यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सुरक्षित बताया था, लेकिन अब 7 अप्रैल को इस बारे में संशोधित एडवाइजरी जारी कर सकती है। EMA ने बुधवार को भी कहा था कि वैक्सीन सुरक्षित है और एक्सपर्ट्स को इनमें उम्र, लिंग और मेडिकल हिस्ट्री के लिहाज से कोई जोखिम नहीं दिखा। ब्रिटेन की नियामक संस्था ने बताया कि ब्लड क्लॉट के 30 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि देश में 1.81 करोड़ खुराक दी गई है। बयान के अनुसार मौजूदा जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैक्सीन के फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी कह चुकी है कि इससे खून के थक्के जमने का खतरा नहीं बढ़ता है। एस्ट्राजेनेका ने भी पिछले महीने बयान जारी कर कहा था कि अमेरिकी ट्रायल में ये वैक्सीन 79% प्रभावी पाई गई है और इससे ब्लड क्लॉट का खतरा नहीं बढ़ता है। ब्रिटेन में पहली वैक्सीन की खुराक के रूप में 3.1 करोड़ डोज की मंजूरी दी गई थी। इसके तहत ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना था। लोगों के पास इनमें से किसी एक विकल्प को चुनने का अधिकार नहीं था। जून 2020 में ब्रिटेन ने एस्ट्राजेनेका की 10 करोड़ खुराक ऑर्डर की थी और इसे विकसित करने में मदद भी की थी। साथ ही सरकार ने फाइजर बायोएनटेक की 3 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया था। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कहर बरपाया हुआ है। क्या कोरोना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? TV9 भारतवर्ष के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से सवाल पूछें। सवालों का जवाब सुबह 11 बजे के बुलेटिन में प्रसारित होगा। आप अपने सवाल 7428198655 पर व्हाट्सएप करें। आप अपने सवाल आपका सवाल @tv9.com पर मेल करें। आपके सवाल का जवाब सुबह 11 बजे TV9 भारतवर्ष पर दिखाया जाएगा। अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें।